घटना बनी थी कई साल पहले लंदन में। इस लड़के की उम्र उस वक्त थी 12 साल की। 22 साल की छोटी सी उम्र में लंदन का मेयर बना। जीवन की जो महक आनी चाहिए, जीवन में जो सद्गुण प्राप्त होने चाहिए, वो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो अगर क्लैरिटी ना हो तो पृथ्वी पे से तो रोज 1.5 लाख व्यक्ति विदा लेते हैं। 24 घंटे का दिन, 86,200 सेकंड्स का ये दिन है, उसमें 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। मतलब एवरी 2 सेकेंड्स 3 पीपल लीव दिस अर्थ। कहने की बात यह है कि कल पैदा हुए थे, आज जवान हो गए, कोई वृद्ध हो गए, कल चले जाएंगे। किस प्रकार के विचार से हम जीवन जिए, किस प्रकार की भावनाओं से हम कार्य करें, किस प्रकार की सोच हम जीवन में रखें ताकि हमारा वर्तन पवित्र हो, तो इस प्रकार का एक जीवन जब हम जिएंगे तभी हमको जीवन में संतोष और आनंद रहेगा। If at the end of your life you cannot put your hand on your chest and tell yourself, yes, I lived, it is not a life well lived. तो पहली बात सबसे बड़ी for a very beautiful life upon this earth, कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, विचार हमारे पवित्र होने चाहिए। ऊंचे विचार, स्पष्ट विचार और पवित्र विचार से व्यक्ति सुखी हो सकती है। Your life becomes more beautiful. क्योंकि man at the end of the day is a bundle of his own thoughts. जो विचार हम पूरा दिन करते हैं शाम को हो जाते हैं, जो विचार हम पूरी जिंदगी करते हैं जिंदगी के अंत में हो जाते हैं। तो विचार की एक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि your thoughts decide your actions. Your actions decide your destiny. And your destiny decides your life. ये एक सिद्धांत है। तो विचार की स्पष्टता, विचार की ऊंचाई और विचार की पवित्रता चाहिए। कई युवा यहां बैठे। एक घटना बनी थी कई साल पहले लंदन में। बिग बेन टावर के गार्डन में कोई व्यक्ति जो वहां सफाई कामदार था, सफाई कर रहा था। इतवार का दिन था, उसके लड़के को कोई स्कूल नहीं थी तो साथ में लेके चला था। 12 बजे दोपहर का समय होगा, घंटी बजने लगी। जैसे ही पहली घंटी बजी, वो छोटा लड़का था, उसका नाम था वेलिंगटन। उनके विचार स्पष्ट थे, कोई ऊंचे विचार थे, तो मन में से एक बात बाहर निकल आई कि वेलिंगटन वन डे विल बिकम द मेयर ऑफ लंदन। उस लड़के की उम्र उस वक्त थी 12 साल की। 12 बजे थे इसलिए 12 बार घंटी बजी। ये छोटा लड़का 12 बार बोला कि वेलिंगटन will one day become the mayor of London. ये वेलिंगटन एक दिन लंदन का मेयर बनेगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि 22 साल की छोटी सी उम्र में लंदन का मेयर बना। एक विचार से हम संकल्प करते हैं तो भगवान की तो हमारी पर बहुत कृपा है, सभी मनुष्य पर है, कि हमारे अंतर में रही कहीं शक्तियां बाहर आती है। And you can achieve what you want. भगवान ने तो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे आत्मा में कई प्रकार की ऐसी शक्तियां रखी हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं रहे, जिस शक्ति और जिस ऊर्जा से हम अपना अमर्यादित विकास कर सकते हैं।